हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए 1,00,000 सब्सक्राइबर पर स्पेशल Q&A के बारे में। सो ओवर 1,000 आपने क्वेश्चन पूछे थे, बट उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन कॉमन थे, तो मैंने इस वीडियो में जो आपके क्वेश्चन है उनको मेनली 4 से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है जो मेरे बारे में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, दूसरी कैटेगरी रहेगी मेरी जॉब से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस में, तीसरी कैटेगरी रहेगी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, एंड चौथी कैटेगरी रहेगी ऑब्वियसली यूट्यूब से रिलेटेड, और पांचवी कैटेगरी रहेगी कुछ और एक्स्ट्रा रैंडम क्वेश्चंस। तो चले करें शुरू। और इससे पहले जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और दूसरी बात कि अगर प्लीज आपके क्वेश्चन यहां पे पिक नहीं हो पाए तो अगली वीडियो में हम जरूर ट्राई करेंगे कि अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन मैं पिक कर पाऊं। तो सीधे बढ़ते हैं अपनी पहली कैटेगरी के ऊपर, जिसमें है मेरे बारे में पूछा गया मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि मेरा पूरा नाम क्या है और मैं कहां से बिलोंग करता हूं। तो मेरा पूरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार और मैं बिलोंग करता हूं हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन अगर आप चंबा से हो और चंबा के डीप में आपको बताऊं तो कहां से हूं, नियर बाय भली माता मंदिर। दूसरा क्वेश्चन है मेरी फैमिली में कितने लोग हैं, मेरी दादी, मम्मी, पापा, एक सिस्टर जिसकी शादी हो गई है, एंड एक और सिस्टर है, एक और भाई है और मैं। आपके 10th और 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे और आपने 11th और 12th में कौन सी स्ट्रीम ले रखी थी। तो मेरे 10th में थे अराउंड 75% मार्क्स और 12th में थे मेरे 70% मार्क्स, एंड नॉन मेडिकल साइड से था मैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ी गलती की थी, आर्ट्स ली होती तो अच्छा रहता। एनी हो, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि है हु इज माय इंस्पिरेशन। कोई भी सक्सेसफुल पीपल आपकी इंस्पिरेशन बन सकता है, तो मेरे लिए जो लाइफ में सक्सेसफुल है वो मेरी इंस्पिरेशन है, एंड जो स्ट्रगल कर रहा है हाँ वो भी इंस्पिरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माय ड्रीम कार, ऑब्वियसली थार, बट चलो उसके लिए अभी काफी ज्यादा मेहनत करनी है। और बढ़ते सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है कितनी एज में मैंने ड्राइविंग सीख ली थी। तो अराउंड मुझे लगता है कि मैं 8th या 9th में पढ़ता था तो मैं फुल गाड़ी ड्राइव कर लेता था, क्योंकि मेरे पापा का जो प्रोफेशन है वो शुरू से ड्राइविंग रहा है, उन्होंने शुरू से मुझे ट्रेन कर दिया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है मेरा फेवरेट सिंगर कौन सा है, तो ऑब्वियसली सिद्धू मूसेवाला, एंड आपका कौन सा है कमेंट में बताओ, आपकी फेवरेट कार कौन सी है वो भी कमेंट में बताओ। एंड सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, एंड आफ्टर दैट मेरे पास कौन सी बाइक है, तो करंट नाउ कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी एज, तो मैं हूँ 22 साल का। और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा पैशन क्या है, मेरा ड्रीम क्या है। देखो पैशन तो मैं फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद है और वो मैं ऑब्वियसली कर रहा हूँ, बट अभी बहुत लो लेवल की कर रहा हूँ ये, मतलब मैंने ज़्यादातर सीखा नहीं है अभी। वीडियो एडिटिंग को लेकर, फिल्म मेकिंग को लेकर बहुत कुछ मेरे को सीखना बाकी है। तो हाँ, अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। और ड्रीम के बारे में अगर सोचा जाए तो अगर मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनता हूँ, एक आने वाले टाइम पे अच्छा खासा अर्निंग सोर्स, यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कहीं से भी मैं अगर अच्छा कमाऊँगा, अगर कहीं से भी मैं सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, तो लोगों के लिए चैरिटी करना वो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास फोन कौन सा है, तो मैं यूज करता हूँ अपना iPhone 8। iPhone 8 लेने का आइडिया, मेरे को कोई फोन लेना था, मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मैंने सेकेंड हैंड आईफोन जो 8 है वो ले लिया, क्योंकि इसकी वीडियो क्वालिटी एंड थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग जो वीडियो रेंडरिंग की झेल जाता है, हाई लेवल पे नहीं झेलता बट हाँ झेल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी सेलिब्रिटी से आपको मौका मिले मिलने का तो आप किससे मिलोगे। विराट कोहली ऑब्वियसली, एंड यूट्यूबर में भुवन बाम, बाकी भी बहुत सारे हैं बट ये दो मेन हैं। तो चलो जी, पहली कैटेगरी के क्वेश्चंस मुझे लगता है कि ओवरऑल ख़त्म हो गए हैं, मेरी पर्सनल लाइफ से जो रिलेटेड थे। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के ऊपर जो कि है मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है मेरी जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट। देखो भाई, मेरी जॉब गवर्नमेंट है। दूसरा है मेरी पोस्ट कौन सी है मेरे ऑफिस में, तो हाल ही में कुछ वैकेंसीज निकली थी मल्टीटास्क वर्कर, पैराफिटर, पैरा पंप ऑपरेटर की IPS डिपार्टमेंट में। तो मेरे पास कोई ITI का डिप्लोमा नहीं था, इसलिए मैंने मल्टीपर्पज़ वर्कर में वो उसके लिए अप्लाई किया था, बाय गॉड ग्रेस उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया। तीसरा है मेरी पाइप रोज क्यों टूटती रहती है, तो उसका भी एक बहुत देखो नेचुरली चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक पहाड़ पे पत्थर भी गिरेंगे, अगर कहीं पे काम लगा है, JCB लगी हुई है, तो उसके कारण जो पाइपलाइन बिछी हुई है वो भी टूटेगी, या फिर अगर कहीं नदी नाले आ गए तो उसके पास से गुजरी हुई लाइनें वो भी टूट जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एरियाज में पाइपलाइन टूटती रहती हैं,
वो भी नेचुरली, बट इसका कोई समाधान है नहीं इसलिए टूटती है तो हम जोड़े निकल जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नौकरी किस ईयर में मिली थी? तो अराउंड मुझे 1 से 1.5 साल करीब होने को आया है, अभी रिसेंटली मुझे जो है वो जॉब लगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई जब आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो क्या आप इस जॉब को छोड़ दोगे? तो अभी तो कुछ प्लान ऐसा नहीं है एंड मैंने सोचा वो कि नहीं, मैं जॉब को नहीं छोड़ूंगा। अगर इन फ्यूचर यूट्यूब चैनल जो बहुत 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 नेक्स्ट लेवल पे चला जाता, और मैं इस यूट्यूब की व्लॉगिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ और भी मेरे अंदर माइंड में काफ़ी ज़्यादा ख्याल चले हुए हैं, कुछ और भी आइडियाज़ हैं, होपफुली वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। अगर वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो हम सोच सकते हैं। हाँ, इस जॉब से लेकर इमोशंस भी बहुत हैं, क्योंकि ये जॉब मुझे उस टाइम पे लगी थी जिस टाइम पे मतलब सिचुएशंस कुछ बेटर नहीं थी। तो हाँ, इस जॉब जब लगी थी तो पिछले 2-3 सालों में पहली बार जो वो एक खुशी की लहर आई थी पेरेंट्स के चेहरे पे। तो मैं चाहता हूँ कि इस जॉब को कंटिन्यू रखूँ और जितना लॉन्ग टर्म हो सकता है, जितना लॉन्ग टर्म हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म लेके जाऊँ। तो आपकी जॉब पक्की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? तो फिलहाल तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, बट इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 8 साल का है। 8 साल के बाद मैं IPS डिपार्टमेंट में मैं रेगुलर हो जाऊँगा। एंड जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है मेरी जॉब को लेकर वो है आपकी सैलरी कितनी है। मैं एक बहुत ही बहुत बहुत बेसिक लेवल पे लगा हूँ। जब मैंने ये जॉब ज्वाइन करी थी उस टाइम पे ऑन पेपर 3000 मुझे बताई गई थी, उसके बाद जो थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट होते होते अभी अराउंड 1 से 1.5 साल में 4400 के करीब मैं पहुँचा हूँ। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ एज ए पार्ट टाइम, तो सही है, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से आ जाता है एंड बाकी अगले सोर्स क्रिएट करना वो मेरे ऊपर है भाई। तो अब हम मूव करते हैं अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर जो कि है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला है भाई वीडियो एडिट करने के लिए कौन सी ऐप यूज करते हो? तो मैं काफी टाइम पहले InShot यूज किया करता था, बट अभी करंटली मैं VN ऐप यूज कर रहा हूँ एंड इट्स प्रीटी गुड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि मैं माइक कौन सा यूज करता हूँ। तो फिलहाल मैं करंटली कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोया BY-M1 लेके रखा था। इस फोन की जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत अच्छी है, तो फिलहाल मैं फोन से वॉइस ओवर करता हूँ। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, देखो बैकग्राउंड म्यूजिक तो एक मैं यूज करता हूँ, एक दिन प्यार MC Stan का इंस्ट्रूमेंटल है, दूसरा है ऋत्विज का है कोई, बट उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बस वो मैंने सेव करके रखा हुआ है, तो आप उसकी बीट से जो ऋत्विज का सर्च कर सकते हैं एंड वो पहचान सकते हैं। मिनी व्लॉग का ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो हाँ उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। अब हम सीधा बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर जो कि है यूट्यूब से रिलेटेड, जिसमें पहला क्वेश्चन है फैमिली को यूट्यूब के बारे में कब बताया था? तो जब मैंने पहली वीडियो शूट की थी और जब उसको पब्लिक किया था तभी मैंने अपनी फैमिली को यूट्यूब के बारे में बता दिया था। 100K पर फैमिली का क्या रिएक्शन रहा, उसका फुल व्लॉग का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है किसको देख के यूट्यूब स्टार्ट किया? बहुत सारे क्रिएटर हैं, कोई एक क्रिएटर नहीं जिसको देख के मैंने स्टार्ट किया था। हाउ डू यू फील फॉर योर फर्स्ट वायरल वीडियो? तो मेरा फर्स्ट जो शॉर्ट था वो जब वायरल किया था मेरे अराउंड, जब मैं लॉन्ग वीडियोस डालता था तो 800-850 सब्सक्राइबर थे, जब वो वायरल हो रहा था तो मेरे उसी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे एंड 1000 सब्सक्राइबर की मैंने एक रील भी डाली है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो किस लेवल की वो फीलिंग थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना टाइम हो गया आपको वीडियोज डालते हुए? मुझे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोज डालते हुए 1.5 से 2 साल के तकरीबन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटअप कब रखेंगे? तो भाई मीटअप का देखो अभी कोई ख्याल मेरा है नहीं, क्योंकि अभी अगर मेरी ऑडियंस है तो वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर की है, और अगर उनको एक जगह इकट्ठा करना पड़े तो अभी आई थिंक मैं उस काबिल नहीं हो पाया हूँ कि मैं एक जगह उनको इकट्ठा कर सकूँ, बट इन फ्यूचर अगर मैं कोई मीटअप रखूँगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं आपको स्टोरीज डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक ये रहा, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यूट्यूब पे अपना होम टूर और विलेज टूर कब ला रहे हो? मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्द लाने की, थोड़ा सा काम इधर उधर बिजी हो जाता हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट। फुल व्लॉग कब से? देखो ऑलरेडी मैंने 2-3 फुल व्लॉग जो है वो शॉर्ट्स के बाद डालना शुरू कर दिए हैं, बट रेगुलर फुल व्लॉग का तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब यार एक तो मक्खियाँ हैं दुखी कर रखती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, आपकी YouTube की फर्स्ट इनकम क्या है? देखो भाई फर्स्ट इनकम के बारे में अगर आपको बताऊं तो हाल ही में मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है, पिछले मंथ ही मोनेटाइज हुआ है। इन फ्यूचर मेरे अकाउंट में अगर $100 कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो है वो मैं अपनी फर्स्ट इनकम YouTube AdSense से ले सकता हूं। तो जब भी वो मैं लाऊंगा उसका फुल व्लॉग मैं जरूर डालूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बहुत जल्द होपफुली दिस मंथ जो मेरी फर्स्ट इनकम आ जाए, फर्स्ट पेड प्रमोशन। तो मुझे जो फर्स्ट पेड
तो मुझे जो फर्स्ट पेड प्रमोशन मिली थी वो मिली थी अर्बन गबरू से, एंड उसका अराउंड मैंने 2000 चार्ज किया था। तो हाँ, अभी बेसिक लेवल पे 2-3000 जो है वो प्रमोशंस का मिल जाएगा। अभी तक मैंने एक दो प्रमोशंस ही करी हैं, इन फ्यूचर होपफुली अच्छी अच्छी प्रमोशंस आएंगी। मैं आपको सोच के वो प्रमोशन लूंगा कि आपके लिए वो फायदेमंद रहेगी या नहीं, अदरवाइज मैं वो प्रमोशंस नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब शॉर्ट्स से कितनी इनकम हो जाती है? देखो यार, यूट्यूब शॉर्ट्स पे बिल्कुल इनकम ना के बराबर है, तभी तो मैंने अभी तक $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं। अगर मान लो 1 million व्यूज हो जाते हैं तो आपको मसा $3-4 मिल जाएंगे, या फिर 4-5 lakh व्यूज पे $1-1.5 मिल जाएगा। तो शॉर्ट्स पे अभी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम है, बट चलो अर्निंग के बारे में मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन को लेकर, एंड अपने आप को बेटर बना के आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के ऊपर। ऑलराइट, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ रैंडम से आपके क्वेश्चंस को लेकर। रैंडम होंगे, फनी होंगे, एंड बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे हैं, तो बस उसके जवाब लेते जाओ फिर। पहला क्वेश्चन है, भाई मैं बहुत पतला हूँ, क्या मुझे आप कोई अच्छी सी डाइट सजेस्ट करोगे? भाई मुझे एक बात बताओ, भिखारी से भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? अगर कोई अच्छी डाइट मुझे पता होती तो मैं खुद मोटा ना हो जाता। बट एनी हो, वो बोलते हैं ना कि एक पतला बंदा जितना भी खाता है वो मोटा नहीं होता है, इनकेस अगर वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीम लेवल पे डाइट ले। अब नहीं लगता तो भाई नहीं लगता शरीर को, अब हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अच्छे हैं, जैसा भगवान ने बनाया वैसा अच्छा है, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बट नहीं होगा तो जबरदस्ती थोड़ी ना है कोई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कोई क्वेश्चन नहीं है बट लव योर कंटेंट, बिग फैन। तो भाई दिल से शुक्रिया आपका, जो भी लोग मुझे प्यार से सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया भाई, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आपकी सुंदरता का राज। भाई देखो, एक तो अगर आईफोन है और अगर आप धूप पे जाते हो तो सुंदरता आगे ऑलरेडी बढ़ जाती है, और दूसरा है थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग, और तीसरा है अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर लाओ। भाई सुंदरता वहीं से असली आती है। ये कोई क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ भाई आपके अंडरवेयर का कलर कौन सा है? ये कैसे सवाल हुआ यार? ग्रे कलर का है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपदा है, क्योंकि आप में से अगर आप लोगों ने 1000 क्वेश्चन पूछे हैं तो वहां से 300 लोगों ने तो सेम क्वेश्चन पूछे हैं। भाई क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है शकल देख के, क्या लगता है? हाँ शकल देख के तो लगता होगा कि है, बट भाई सच में नहीं है यार, मानो मेरी बात को। बट चलो, सारे दुख एक तरफ, गर्लफ्रेंड ना होने का दुख एक तरफ, घर वालों को मैंने बोल दिया है कोई हो नजर में तो बताओ ताकि मैं उससे बात कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बस के तो बाहर है। इसी के साथ बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई शादी कब कर रहे हो, शादी के बारे में क्या ख्याल है? घर वालों को काफी ज्यादा जल्दी हो रही है मेरी शादी करवाने की, वो 23 बोल रहे हैं, 25 बोल रहे हैं, 27 बोल रहे हैं, बट मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे बहुत कुछ करना है। तो जब भी शादी का इरादा होगा मैं बता दूंगा कि हाँ भाई अब मैं शादी करने वाला हूँ। वैसे कोई अच्छी सी लड़की अगर है तो वो इंस्टाग्राम पे DM कर सकती है, आई डोंट माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, नहा भी लिया करो, क्या मतलब है आपका? नहाता नहीं हूँ, पानी बचाता हूँ भाई, मुझे पता है जल है तो कल है। चलो एनी, कपड़े भी चेंज करा करो, अब जो है आप वही ना चेंज करेंगे, अब घर पे कौन जो है वो रोज रोज नए नए कपड़े पहन के बैठा रहे। अच्छा आप मुझे बताओ, जो भी पुरानी टी शर्ट होंगी, पुरानी शर्ट होंगी, वही पहन के तो लामा लेट होंगे ना हम लोग बेड पे। और ये मैं चेंज करता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझे टोंट मारते हैं, भाई कपड़े चेंज कर लिए करो, टी शर्ट चेंज कर लिए करो। इवन घर वाले बोलते हैं, कल वाली वीडियो में भी वही टी शर्ट थी, आज वाली वीडियो में वही टी शर्ट है, परसों वाली वीडियो में भी वही टी शर्ट आ जाएगी। वो तो आपको देख के थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ता, वरना तो मैं एक में ही, एक हफ्ता, दो में ही, दो हफ्ते उसी को रिपीट करके महीनों गुजार दूं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन गुम हो जा रहे हैं यार यहाँ पे। गो, आई वांट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, व्हाट शुड आई डू? स्टार्ट करो भाई, सोचने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके घर वाले आपको कहते हैं यूट्यूब मत कर? मुझे तो मोस्टली रोक टोक नहीं की थी, अगर आप अच्छे से बताओगे यूट्यूब क्या है, आप क्या करने वाले हो, आने वाले टाइम पे क्या होगा, कुछ बनेगा या नहीं, तो डेफिनेटली घर वाले मान जाएंगे। हाँ कुछ टाइम तक अगर आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो कि ये क्या कर रहा है यार, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। बट जब रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, जब थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो जाता है, तब उनको और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। हाउ आई मैनेज माई यूट्यूब जॉब
वीडियो एडिटिंग, ओवरऑल फन, एंजॉयमेंट, धाम खाना, इधर उधर का वो सब। सबसे ज्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा जो मेरा स्टाफ है उनका, क्योंकि अगर कहीं पे भी काम हो जाता है तो मुझे अननेसेसरी मुझे रुकने वो नहीं देते हैं। अगर मुझे कोई काम होता है तो वो मुझे जाने देते हैं। तो अपने जेई, एसडीओ एंड ओवरऑल जो मेरे ऊपर फीटर्स हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टा पे रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? भाई इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं ट्राई करता हूँ, मैं इवन करता हूँ रिप्लाई, बहुत सारे की रिप्लाई करता हूँ। बट चलो अपना प्यार ऐसे बनाए रखो, मेरी मजबूरी को समझो और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं रिप्लाईज दे पाऊँ, क्योंकि टाइम नहीं होता है ना, सब कुछ मैनेज करना पड़ता, तो समझो यार बात को, आई एम सॉरी दिल से भैया। चलो जाते जाते एक और कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए है कि मेरी आवाज़ बहुत सुंदर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंडियन आइडल में ट्राई करूँ। नेहा कक्कड़ रोएगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच आप सबका इन सारे सवालों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा तड़कता फड़कता नहीं बनाया है कि सीन्स चेंज किए हों या फिर कुछ ओवरले किया हो, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ वन टू वन आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना चाहता था, तो आई होप कि वो हो गई है। और अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रहते होंगे तो आने वाले टाइम पे जब मैं क्यू एन ए करूंगा तो उसकी कम्युनिटी पोस्ट पे आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दिल से थैंक यू, आप सबको ढेर सारा प्यार।